एक रात की बात है, अभय और विराट दोनों एक पार्टी से निकले थे। दोनों ने खूब पी रखी थी। अरे भाई, इतनी रात को पीकर बाइक चलाना अच्छा नहीं है। हाँ, बता रहा हूँ। अबे ये तू बता रहा है? साले तूने तो मुझसे ज्यादा पी रखी है। वो तो है। अबे सुन, बस आ गया ना, नाकाबंदी नहीं मिलनी चाहिए दोस्त। अरे इतनी रात को कहाँ इस सुनसान रोड पर कोई नाकाबंदी मिलेगी? तू भी क्या बात करता है? ना वो भी है, पर मैं गाड़ी स्लो ही चलाऊंगा। इतनी पी रखी है, बैलेंस बिगड़ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। सुन, अबे तू कहे तो मैं गाड़ी चलाऊं? नहीं रे, नहीं 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 नहीं, मैं ही चलाऊंगा, तेरा भाई चलाएगा। वो दोनों भंकस करते करते गाड़ी चला रहे थे और अचानक उन दोनों को आगे नाकाबंदी दिखी। अबे आगे देख ना, नाकाबंदी है। विराट ने बाइक रोक ली। अबे नाकाबंदी तो दिख रही है, पर साला कोई पुलिस वाला नहीं है। अबे लगता है सब सो रहे हैं। चल, चुपचाप निकल जाते हैं। सही कह रहा है। विराट ने बाइक स्टार्ट की और थोड़ी दूर चला ही था कि अचानक उसे दो कांस्टेबल दिखने लगे, एक आदमी और एक औरत। अरे सुन, लगता है दूसरा रोड लेना होगा। इन लोगों ने अगर धर लिया ना तो बेटा लंबी कटेगी, सोच ले। घुमा ले बाइक। विराट ने बाइक घुमा ली और दोनों जोर जोर से हंसते हुए वहां से निकल गए। कुछ दूर उल्टा चलने के बाद उन्होंने दूसरे रोड की तरफ बाइक मोड़ ली। ये जंगल का रास्ता, यहाँ कोई नाकाबंदी नहीं होगी। मजे में जाएंगे। अरे तुम्हें तो पहले ही रास्ते से लाना चाहिए था ना भाई, पहले ही आना चाहिए था। आना तो चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां पर नाकाबंदी होती है। ये भी है दोस्त। तभी अचानक दोनों को सामने नाकाबंदी दिखी। सामने देख। अरे अपने दो लग गए, देख सामने। चलो यहाँ कौन सी नाकाबंदी लगती है? जब दोनों ने गौर से देखा तो यहाँ भी वही दो कांस्टेबल थे। ये ज्यादा चढ़ गई है मेरे को यार, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही था ना जो साला पहले वाले नाकाबंदी में था। यार वही था ये। अबे गाड़ी घुमा जल्दी, कुछ तो गड़बड़ है। विराट ने एक बार फिर बाइक मोड़ ली और इस बार दोनों तीसरे रास्ते पर चल दिए और इस रास्ते पर भी नाकाबंदी थी और वही दो कांस्टेबल उनके सामने थे। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। दोनों का नशा पूरी तरह उतर गया। उन्होंने फिर से गाड़ी घुमा ली और मोड़ पर आकर रुक गए। अबे ये सब क्या है? अबे हाँ भाई, ये एक इंसान तीन जगह कैसे हो सकता है? अबे लगता है ये इंसान नहीं है, ये भूत है। क्या भूत? हाँ, अब तीनों रास्तों पर वही है। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई, जहाँ भी जाएंगे वो हमें मिल जाएंगे। एक बात सुन, हमें आज रात इसी जंगल में काटनी होगी। हाँ सही कह रहा है। तो एक काम करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि जिस भी दिशा में जाएंगे ना वो दोनों हमें मिलेंगे ही। हाँ सही कह रहा है। अभय और विराट बाइक से उतर गए और वही किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। दोनों डरे हुए थे। जंगल से सियारों की रोने की आवाजें आ रही थी।
अबे अगर हम भूत से बच गए तो ये जंगली जानवर हमें मार डालेंगे। अबे तू तू डर मत यार, कुछ नहीं होगा। हम यहीं बैठेंगे, कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी, तब हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे भाई। हाँ, उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद विराट उठा। अबे कहाँ जा रहा है? अरे सुसु करने। अरे डर के मारे सुसु लग गई है यार मुझे। अबे रुक, अकेले जाएगा क्या? मैं भी आ रहा हूँ। अबे कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। विराट झाड़ियों की ओर मुड़कर पेशाब करने लगा, तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। अबे रुक, अबे करने तो दे। पीठ पर थप थप वापस हुई, वो पीछे मुड़ा। विराट के पीछे वही कांस्टेबल था। कांस्टेबल का आधा चेहरा जला हुआ था। विराट की चीख निकल गई। विराट की चीख सुनकर अभय उसके पास आया। अभय की भी हालत खस्ता हो गई। भाग, भाग यहाँ से। दोनों वहां से भाग निकले कि उनके सामने वो लेडी कांस्टेबल आ गई। लेडी कांस्टेबल का भी आधा शरीर जला हुआ था। कहां भागोगे? पीछे से उन्हें दूसरे कांस्टेबल ने घेर लिया। दोनों की हंसी सुनकर अभय और विराट का खून सूख रहा था। पीकर गाड़ी चला रहे हो और सोच रहे हो कि हमसे बच जाओगे? नामुमकिन, बिल्कुल नहीं बचोगे। माफ कर दो, हम कभी पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। माफ कर दो हमें प्लीज। सही 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 कह रहा है, प्लीज प्लीज माफ कर दो ना, हमें कर दो ना प्लीज। नहीं, तुम जैसे लोगों को हम नहीं छोड़ सकते। कैसे नहीं छोड़ सकते? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो चुपचाप अपने घर जा रहे थे, किसी को कुछ बोलते भी नहीं। हम तो लड़कियां भी नहीं छेड़ते, कुछ नहीं करते हम तो। वो लड़के भी तुम्हारी ही तरह थे। उस रात हम दोनों ड्यूटी पर थे, तुम्हारी तरह दो लड़कों ने पीकर नाकाबंदी तोड़ी। हमने जीप से उनका पीछा किया और फिर उन लड़कों ने हमारी पेट्रोल टैंक में जलती हुई सिगरेट डाली और हमारी पुलिस जीप उड़ा दी। हम दोनों तड़प तड़प कर मर गए। अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती थी? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना। पर वो लड़के हम तो नहीं थे ना। सही सही सही, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अब क्या हम इंतजार करें कि तुम किसी और कांस्टेबल को मार दो? नहीं, हम तुम्हें पहले ही मार देंगे। विराट और अभय भागने की कोशिश कर रहे थे। कांस्टेबल्स के भूत ने उन्हें पकड़ लिया और घसीटते हुए उन्हें नाकाबंदी तक ले गए और वहां उस नाकाबंदी के पोल पर पटक पटक कर उन दोनों की जान ले ली। कोई भी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा। अब नाकाबंदी तोड़ के दिखाओ।